हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गीकी रे। और आज हम एक बार फिर से बात करेंगे कुछ मस्ट वॉच डिजास्टर मूवीज के बारे में। और इस लिस्ट में मैं कुछ बहुत ही एक्सप्लोसिव और थ्रिलिंग डिजास्टर मूवीज के बारे में बात करूंगा, जहां हमें नेचर का पावरफुल और डिस्ट्रक्टिव साइड देखने को मिलेगा और साथ ही ह्यूमन सर्वाइवल की डेयरिंग कहानियां भी होंगी। और फ्रेंड्स, ये लिस्ट का पार्ट टू है, तो पार्ट वन को भी चेक कर लेना। और आपकी फेवरेट डिजास्टर मूवी कौन सी है मुझे कॉमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। नाउ बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। लिस्ट की फर्स्ट मूवी एक नॉर्वेजियन डिजास्टर मूवी है और ये मूवी नॉर्वे के एक छोटे से टाउन में सेट है। और ये टाउन एक तरफ पहाड़ और दूसरे तरफ समुन्द्र से घिरा हुआ है और बहुत ही सुंदर जगह पर है। लेकिन इसी सीनिक टाउन पर एक बहुत बड़ा नेचुरल डिजास्टर चला आता है और ये टाउन एक 80 मीटर ऊंचे सुनामी वेव के चपेट में पड़ जाता है। और ऐसे टाइम में हम एक जियोलॉजिस्ट क्रिश्चियन को देखते हैं, जो अपनी जान की परवाह किए बिना अपने फैमिली और अपने टाउन के लोगों को बचाने की ट्राई करता है। मूवी का नाम है द वेव, जो 2015 में बनी एक लो बजट नॉर्वेजियन डिजास्टर मूवी है, जिसने अपने रियलिस्टिक लुकिंग स्पेशल इफेक्ट से सबको एकदम चौंका दिया था। सच में फ्रेंड्स, इस मूवी के विजुअल इफेक्ट्स और जो डिजास्टर के सीन्स हैं, वो काफी इम्प्रेसिव है। साथ ही मूवी की स्टोरी भी काफी थ्रिलिंग और इमोशनल है। हालांकि मूवी का फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो है। द वेव को आप हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में प्राइम वीडियो और यूट्यूब पर देख सकते हो। नेक्स्ट मूवी एक कोरियन डिजास्टर मूवी है। मूवी साउथ कोरिया में सेट है, जहां एक मैसिव अर्थक्वेक के बाद पूरा शहर, यहाँ तक कि पूरा कोरिया एकदम तबाह हो जाता है और पूरे शहर में सिर्फ एक अपार्टमेंट बिल्डिंग हुआंग गुआंग अपार्टमेंट बचा रह जाता है। और उसके बाद पूरे शहर से सर्वाइवर्स उस एक बिल्डिंग की ओर आने लगते हैं। हुआंग गुआंग बिल्डिंग के रेसिडेंट्स पहले तो इन सर्वाइवर्स की हेल्प करते हैं, लेकिन बाद में ये डिसाइड करते हैं कि आउटसाइडर्स को बिल्डिंग में शेल्टर नहीं दिया जाएगा। और इस एक डिसीजन के बाद क्या होता है, वो आपको इस मूवी में देखना होगा। मूवी का नाम है कॉन्क्रीट यूटोपिया, जो लास्ट ईयर रिलीज हुई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिजास्टर कम सर्वाइवल मूवी है। मूवी की स्टोरी और एक्टर्स की परफॉर्मेंस एकदम टॉप नॉच है। मूवी में आई सॉ द डेविल, स्क्विड गेम के एक्टर ली ब्योंग हुन ने एक नेगेटिव रोल प्ले किया है। मूवी के विजुअल इफेक्ट्स, अर्थक्वेक के सीन्स, डिजास्टर के सीन्स और उसके बाद जो पोस्ट एपोकलिप्टिक शहर दिखाया गया है, उसके विजुअल्स बहुत ही रियलिस्टिक लगते हैं। साथ ही मूवी का एंडिंग भी काफी इम्पैक्टफुल और इमोशनल है। कॉन्क्रीट यूटोपिया एक एंगेजिंग और थॉट प्रोवोकिंग मूवी है और आप इस मूवी को प्राइम वीडियो पर हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में देख सकते हो। लिस्ट की नेक्स्ट मूवी एकदम ही डिफरेंट टाइप की डिजास्टर मूवी है। मूवी में हम बेथ को देखते हैं, जो हांगकांग से वापस यूएस में अपने घर लौटती है और घर लौटने के कुछ दिन बाद वो बहुत बीमार पड़ जाती है और उसके कुछ दिन बाद उनका बेटा भी बीमार पड़ जाता है और बीमारी के 7 दिनों में ही उन दोनों की मौत हो जाती है। और इसी तरीके से ये अननोन डेडली वायरस चारों तरफ फैलने लगता है और कुछ ही दिनों में ये वायरस पूरे दुनिया में फैल जाता है और लाखों की तादाद में लोग इस वायरस का शिकार बन जाते हैं। वर्ल्ड के सभी बड़े साइंटिस्ट इस वायरस का क्योर ढूंढने की कोशिश करते हैं। मूवी का नाम है कॉन्टेजियन। और फ्रेंड्स, ये मूवी वैसे तो एक स्टार स्टडेड मूवी है, लेकिन 2024 में आके ये मूवी पूरी तरीके से एक डॉक्यूमेंट्री लगता है। सच में फ्रेंड्स, इस मूवी में इतनी रियलिस्टिक तरीके से पैंडेमिक के इवेंट्स को दिखाया गया है, आप पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाओगे कि ये मूवी 2011 में बनी है। मूवी में मैट डेमन, केट विंसलेट, जूड लॉ और लॉरेंस फिशबर्न जैसे एक्टर्स ने काम किया है और सभी ने एकदम टॉप नॉच परफॉर्मेंस दिया है। सच में फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही वेल मेड और रियलिस्टिक मूवी है एंड आई हाईली रिकमेंड दिस मूवी। स्पेशली कोविड के बाद ये मूवी बहुत ही स्कैरी बन जाता है। कॉन्टेजियन को आप जियो सिनेमा पर इंग्लिश लैंग्वेज में देख सकते हो। नेक्स्ट मूवी एक और साउथ कोरियन डिजास्टर मूवी है। मूवी साउथ कोरिया के एक छोटे से रूरल टाउन में सेट है, जहां एक बहुत पुराना न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो आज भी फुल टाइम सर्विस में है। और इस मूवी में हम जे ह्योक को देखते हैं, जो उसी प्लांट में काम करता है। और एक दिन इस शहर में एक बहुत बड़ा भूकंप आता है, जिससे इस पुराने न्यूक्लियर प्लांट को बहुत डैमेज पहुंचता है, यहां तक कि न्यूक्लियर मेल्टडाउन होने का खतरा बढ़ जाता है, जिससे इस टाउन पर ही नहीं बल्कि पूरे साउथ कोरिया पर एक डेडली न्यूक्लियर डिजास्टर होने का खतरा पड़ जाता है। तब जे ह्योक और उसके कुछ साथी अपने जान की परवाह किए बिना उस खतरनाक रेडिएशन के अंदर प्लांट को ठीक करने की कोशिश करते हैं और अपने टाउन के साथ साथ पूरे कोरिया के लोगों की जान बचाते हैं। मूवी का नाम है पैंडोरा, जो 2016 में बनी एक साउथ कोरियन डिजास्टर मूवी है और ये मूवी जापान के रियल न्यूक्लियर डिजास्टर से इंस्पायर्ड है। मूवी की स्टोरी काफी ग्रिपिंग और इंटेंस है और साथ ही जो एक्टर्स हैं, स्पेशली लीड रोल में किम नम गिल, उन्होंने बहुत ही ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दिया है। मूवी थोड़ी स्लो है, लेकिन मूवी का एंडिंग काफी इमोशनल और एकदम ब्रिलियंट है और आप पैंडोरा को इंग्लिश लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। नेक्स्ट मूवी एक इंडियन डिजास्टर कम सर्वाइवल मूवी है और ये मूवी 2018 में केरला के फ्लड्स पर बेस्ड है, जहां हम देखते हैं कैसे केरला के लोगों ने इस कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन का सामना किया था और सबने मिलकर इस नेचुरल डिजास्टर को सर्वाइव किया था। मूवी में कुछ अलग अलग बैकग्राउंड्स के कुछ अलग अलग कैरेक्टर्स की कहानी दिखाई गई है, जो इस नेचुरल डिजास्टर के
टाइम में एक साथ यूनाइट होकर इस फ्लड में लोगों की हेल्प करते हैं और ये मूवी ह्यूमैनिटी और ब्रेवरी को हाईलाइट करता है। मूवी का नाम है 2018 जिसको लिखा और डायरेक्ट किया है जूड एंथोनी जोसेफ ने। और फ्रेंड्स ये एक कमाल की मूवी है। मूवी स्टार्टिंग में थोड़ी स्लो है पर मूवी के फर्स्ट 45 मिनट्स के बाद स्पेशली फ्लड के टाइम से ये मूवी बहुत ही थ्रिलिंग और इम्पैक्टफुल बन जाता है। मूवी काफी इमोशनल है और ये सिर्फ कैरेक्टर्स के लिए नहीं बल्कि मूवी में डायरेक्टर ने रियल केरला फ्लड्स के फुटेजेस को यूज किया है जो काफी इम्पैक्टफुल है। मूवी में टोविनो थॉमस, आसिफ अली जैसे एक्टर्स ने अपने अपने रेस्पेक्टिव रोल्स में काफी रियलिस्टिक परफॉर्मेंस दिया है जिससे ये मूवी काफी इम्पैक्टफुल बन जाता है। और मूवी का डायरेक्शन भी बहुत ही अच्छा है। डायरेक्टर ने इतने लो बजट में फ्लड के विजुअल्स को काफी रियलिस्टिकली दिखाया है। 2018 एक मस्ट वॉच मूवी है विद सम पावरफुल परफॉर्मेंसेस एंड ए मूविंग स्टोरी। और आप 2018 को हिंदी लैंग्वेज में सोनी लिप पर देख सकते हो। और लास्ट में बात करते हैं इसी साल रिलीज हुई एक डिजास्टर मूवी के बारे में। मूवी में हम केट को देखते हैं जो एक टोर्नेडो चेसर है और साथ ही टोर्नेडोस पर रिसर्च भी करती है। पर एक डिवास्टेटिंग इवेंट में केट की पूरी टीम एक टोर्नेडो में मारी जाती है और उसके बाद केट टोर्नेडोस को चेस करना छोड़ देती है। लेकिन कुछ सालों बाद जब केट के दोस्त हावी केट को एक बार फिर से अप्रोच करता है और केट को अपने न्यू टोर्नेडो ट्रैकिंग सिस्टम के बारे में बताता है तब केट को रिलक्टेंटली एक बार फिर से स्टॉर्म चेसिंग के दुनिया में लौटना पड़ता है। और यहाँ उसकी मुलाकात होती है टाइलर ओवेंस और उसके टीम से जो एक सोशल मीडिया स्टार है और यूट्यूब पर व्यूज के लिए टोर्नेडोस को चेस करता है। और ये दोनों टीम्स आखिर में कॉम्पीट करते हैं सेंचुरी के सबसे बड़े टोर्नेडो तक पहुंचने के लिए। मूवी का नाम है ट्विस्टर्स जो एक हाई बजट में बनी वेल मेड डिजास्टर मूवी है। मूवी में लीड रोल में डेजी एडगर जोन्स और ग्लेन पावेल ने काम किया है और साथ ही हमारे न्यू सुपरमैन डेविड कॉन्सवर्थ भी मूवी में है एक छोटे से रोल में। मूवी की स्टोरी तो ठीक ठाक है लेकिन मूवी के जो विजुअल इफेक्ट्स हैं वो बहुत ही इंप्रेसिव है। मूवी में टोर्नेडोस के सीन्स को डायरेक्टर ने काफी ग्रिपिंग और इंटेंस बनाया है। ओवरऑल ट्विस्टर्स एक एंटरटेनिंग डिजास्टर मूवी है जो एक्शन और ड्रामा को ठीक से बैलेंस करता है। ट्विस्टर्स करंटली कहीं स्ट्रीम नहीं कर रहा है पर हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में रेंट पर अवेलेबल है और आप ट्विस्टर्स के प्रीक्वल मूवी ट्विस्टर को हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में जियो सिनेमा पर देख सकते हो। एंड दैट्स द लिस्ट फ्रेंड्स, मस्ट वॉच डिजास्टर मूवीज। आई होप आपको ये मूवीज भी पसंद आएंगे। आपकी फेवरेट डिजास्टर मूवी कौन सी है मुझे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।